हेलो माय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अब 12 पास करके बीकॉम सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेने जा रहे हैं या कुछ ले भी चुके हैं, तो सबसे बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या क्या है और एग्ज़ाम किस प्रकार से हम लोग को देना है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा, कितने नंबर का टोटल सब्जेक्ट होगा, कितना का प्रैक्टिकल होगा, कितना का क्या होगा। आप लोग देखिए ध्यान से। तो बीकॉम सेमेस्टर 1 में अगर आप ऑनर्स लेते हैं तो सबसे पहला हम लोग का सब्जेक्ट जो रहेगा वो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी, ये दो में से हम लोग को कोई भी एक लेना है। ये हम लोग का टोटल रहेगा 50 मार्क्स का, 40 का एग्ज़ाम होगा, 10 का कॉलेज में, और टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। और पास मार्क्स हम लोग का रहेगा कितना, जो पास मार्क्स है हम लोग का वो रहेगा 20 का। ये तो हो गया हम लोग का इंग्लिश या हिंदी। उसके बाद हम लोग आते हैं कोर, जो ऑनर्स लेंगे उसको कोर, जिसको पहले ऑनर्स भी बोला जाता था। तो कोर सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, तो कोर सब्जेक्ट हम लोग का रहेगा फाइनेंशियल अकाउंट 1, फाइनेंशियल अकाउंट 1। ये आप लोग का 80 नंबर का सेंटर पे एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर का कॉलेज में हम लोग का क्या होगा, इंटरनल एग्ज़ाम होगा। और इसमें हम लोग को 40 मार्क्स लाना है पास के लिए, अधिक से अधिक हम लोग 40 मार्क्स नहीं, अधिक का बात करेंगे, लेकिन पास मार्क्स कितना है 40। थर्ड है बिजनेस लॉ, ठीक है, थर्ड क्या है हम लोग का बिजनेस लॉ, ये थ्योरी है, ये भी हम लोग का 80 रहेगा, 20 का इंटरनल और 40 में पास। और लास्ट हम लोग का एक कोर नहीं है, इलेक्टिव बोल सकते हैं इसको, ये है हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोर यही दोनों है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मनी एंड बैंकिंग। अभी जो नया भरवाया जा रहा है फॉरम, उसमें मनी एंड बैंकिंग है, तभी हम लोग भी इसी को लिखते हैं मनी एंड बैंकिंग। पहले यहाँ पर इकोनॉमिक्स था, तो मनी एंड बैंकिंग भी हम लोग का 100 मार्क्स का रहेगा, 80 का एग्ज़ाम होगा, 20 का इंटरनल और पास मार्क्स कितना है 40। तो आप लोग का ऑनर्स जब लेंगे तो ये दोनों का नंबर हम लोग का एग्ज़ाम में ऐड होगा। तो कोर पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, साइड में इसको भी पढ़ना है, इलेक्टिव है ये, तो साइड में इसको भी पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश ये 40 मार्क्स का रहेगा, मतलब 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो 40 का हम लोग का सेंटर पे होगा और 10 मार्क्स का जो हम लोग का है वो कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम होगा। उसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंट 80 मार्क्स का सेंटर पे एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स का हम लोग का क्या होगा ये इंटरनल। बिजनेस लॉ भी उसी प्रकार से 80+20 है, सबका पास मार्क्स कितना है 40 है, और जो 50 मार्क्स का उसका पास मार्क्स कितना है 20। तब उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से सब्जेक्ट को समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो।